फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की, यानी IRFC की। पिछले कई दिनों से स्टॉक नीचे की तरफ ही आ रहा है, न कि तेजी बन पा रही उसमें। IPO की लिस्टिंग होने के बाद से ही स्टॉक नीचे की तरफ ही है, उसमें तेजी की संभावना नहीं बन रही है, जबकि कंपनी बहुत ज़्यादा मजबूत है। कंपनी का जो काम करने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, और कंपनी इतनी शानदार है जिसमें सरकार की होल्डिंग है सारी की सारी, 86% प्रमोटर होल्डिंग सरकार की है, उसके बावजूद भी स्टॉक में तेजी नहीं बनना है, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित कर जाता है। तो ये स्टॉक ऐसा क्यों है, इसमें इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज है, लोगों का रुझान इसकी तरफ है, फिर भी इसकी प्राइस नहीं बढ़ पा रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इसमें क्या कमी रह गई है। स्टॉक में हर सब कुछ अच्छा होते हुए इसका रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा है Q4 का, उसके बावजूद भी इसमें हमें तेजी देखने को नहीं मिल रही है, तो उसके पीछे वजह क्या, तो उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। आज IRFC का स्टॉक 23.35 पर ओपन हुआ, 23.55 की इसने हाई बनाई और 23.25 का इसने लो बनाया, और एंड में 23.30 पर करीब 0.43% अपर क्लोजिंग दी है। आज बाजार में मामूली गिरावट का माहौल था और इसी वजह से स्टॉक में तेजी नहीं बनी। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम था, कल भी इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज मामूली बढ़ोतरी हुई है, आज 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो कुछ वॉल्यूम में अच्छी पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन स्टॉक में बढ़त नहीं हो रही है। और इसके बीच में एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज निकल कर आई है, IRFC ने 3000 करोड़ रुपीज़ की फंड रेजिंग की है 10 ईयर के NCDS के माध्यम से, और यह मैच्योर होंगे 19 जुलाई 2031 को, यानी 10 साल के लिए NCDS इन्होंने इशू किए हैं, और यह 15 जुलाई को 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इसकी बिडिंग हुई है, और यह जो फंड रेजिंग की जा रही है इससे कारोबार में आगे बढ़ाने में इसको मदद मिलेगी, क्योंकि लगातार इनकी ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा मजबूत है, कारोबार इनका लगातार बढ़ रहा है, लगातार रेलवे को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, कंपनी के पास काम की कोई कमी नहीं है। और आपको पता ही होगा इसका बिजनेस आइडिया बहुत ही यूनिक है, यह इंडिया के अलावा फॉरेन कंट्रीज से भी फंड रेजिंग करके रेलवे को फंड प्रोवाइड करती है, जिससे इनके NPA बनने की भी कोई संभावना नहीं है, और रिजल्ट बहुत ही बेहतर है, ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा मजबूत है, उसके बावजूद भी प्राइस नहीं बढ़ रही है। फ्रेंड्स, अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसने 20.80 का लो भी बना दिया है, और वहाँ से स्टॉक 26.70 का इसने हाई बनाया था, और वहाँ से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है, फिर से 23 के आसपास है। तो क्या यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए? अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो अभी 1 साल हुआ नहीं, 8 से 9 महीने हुए इसके IPO को आके, 12.29% का ही पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है, और वापस स्टॉक 12.73% अपने ऊपर के लेवल से नीचे भी आ चुका है, यानी बिल्कुल ये सेंटर में है। और पिछले एक महीने के इसकी परफॉर्मेंस देखें तो -6.61% का निगेटिव रिटर्न मिल रहा है। तो मेरा कहना यह है फ्रेंड्स कि यह स्टॉक बहुत ज़्यादा अच्छा है, निवेश के लिए बहुत अच्छा बन रहा है। इसकी फाइनेंशियल कंडीशन एक बार देख लेते हैं, इसके रिजल्ट को चेक कर लेते हैं। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन की अगर बात करें तो 1986 में बनी हुई स्मॉल कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 30,449.62 करोड़ का है, और कंपनी रेलवे को फंड प्रोवाइड करती है। Q4 में कंपनी की टोटल इनकम 4,455.01 करोड़ रही, जो 13.29% ज़्यादा है Q3 से। Q3 में कंपनी की टोटल इनकम 3,932.46 करोड़ थी, और 38.98% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर की टोटल इनकम 3,205.52 करोड़ थी, और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,482.55 करोड़ बताया। तो इससे अच्छा हमें रिजल्ट क्या देखने को मिल सकता है? कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो तो लगातार इनकी ग्रोथ बढ़ रही है। पिछले एक साल से कोरोना का इफेक्ट था, उसके बावजूद भी रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, उसके बावजूद भी इसके शेयर में बढ़ोतरी नहीं हो रही, जबकि कंपनी डिविडेंड भी दे रही है। सरकारी कंपनी है, हमारे निवेश यहाँ पे सुरक्षित रहने की बहुत ज़्यादा जवाबदारी है। अगर इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो 86.36% की शेयर होल्डिंग फिलहाल सरकार के पास है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने इसमें 0.86% की होल्डिंग ली हुई है, अदर्स की होल्डिंग 1.11% है, NBFC और म्यूचुअल फंड ने भी 2.62% की होल्डिंग ली हुई है, जनरल पब्लिक के पास बहुत ही कम 7.92% की होल्डिंग है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास 1.13% की होल्डिंग है।
तो काफ़ी कम इसकी होल्डिंग है, उसके बावजूद भी इसकी शेयरों में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो एक माहौल बना हुआ है निगेटिव, और जैसे ही इसमें पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो जाएगा तो बहुत तेज़ी से स्टॉक बढ़ेगा। यह स्टॉक अचानक इतना तेज़ी से बढ़ेगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे, और कभी यह 3 डिजिट में चला जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। यह खरीदारी के लिए बहुत अच्छा स्टॉक बन रहा है, और इसकी प्राइस गिरने के पीछे वजह यह कि बहुत सारे लोग परेशान हो गए। इसमें लोगों ने, कई लोगों ने IPO में निवेश किया था अच्छे रिटर्न के लिए, लेकिन 8 से 9 महीने हो गए इसमें तेज़ी नहीं बन पा रही, तो वो वैसे प्रॉफिट क्या है ये तो लॉस ही बुक कर रहे हैं, लेकिन इस स्टॉक में से निकल रहे क्योंकि उनका नज़रिया शॉर्ट टर्म का होता है, 6 से 5-6 महीने का। अब वहाँ पर तेज़ी नहीं दिख रही है तो वो लोग अपना होल्डिंग कम करें, और इस वजह से यहाँ पर तेज़ी भी नहीं बन पा रही है। तो सबसे बड़ी जो वजह है कि जो बड़े फंड हाउस है उन्होंने अपनी होल्डिंग काफ़ी कम की है। एक बार उसको हम जून का जो नया शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल गया उसको देखते हो, जिससे आपको समझ में आएगा कि इसकी प्राइस क्यों नहीं बढ़ पा रही है। तो प्रमोटर की होल्डिंग 86.36% एजिट वही है, और म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को कम कर दिया है, 3.02% थी क्वार्टर फोर में, उसको घटा के जून क्वार्टर में 2.62% कर लिया है, और जो म्यूचुअल फंड की जो संख्या है वो एजिट अभी अनचेंज है। FIA ने भी अपनी होल्डिंग को कम कर दिया है, 1.44% थी क्वार्टर फोर में, उसको घटा के 0.86% कर लिया है जून क्वार्टर में, लेकिन FIA की संख्या में जरूर बढ़ोतरी हो गई है, 25 थे उसकी जगह पे 42 हो गए, तो एक पॉजिटिव सिग्नल है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग को घटा दिया है, 5.68% थी उसको घटा के 4.61% कर लिया है। तो ये जो सब ने जो अपनी होल्डिंग घटाई उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि काफ़ी समय से स्टॉक में कोई तेज़ी नहीं बनी थी, और ये लोग स्टार्ट से IPO के समय से इसमें इन्होंने निवेश किया था, लेकिन काफ़ी समय तक इनको जब प्रॉफिट नहीं मिला तो इन्होंने इसमें से निकलना ही मुनासिब समझा, और इसी वजह से इसकी प्राइस भी नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि लगातार आपको पता ही होगा जनरल पब्लिक की होल्डिंग तो इसमें बहुत कम है, और इस वजह से जो शेयरों में तेज़ी बननी चाहिए वो बन नहीं पा रही है। तो ये स्टॉक बहुत जल्द यहाँ से दौड़ने को तैयार होगा, फिलहाल इसका वातावरण बेयरिश बना हुआ है, फिलहाल गिरावट का दौर बता रहे, तो अभी भी इसमें थोड़ा सा माहौल गिरावट का बन सकता है, लेकिन इसकी आने वाले समय में क्या संभावना बन रही है, शॉर्ट टर्म इसका टारगेट क्या है, कहाँ तक जा सकता है गिरावट में और कहाँ तक तेजी में जा सकता है, तो इसके पीवट लेवल को एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से स्टॉक गिरता है तो 23.38 का फर्स्ट सपोर्ट है, उसको क्रॉप ब्रेक कर दिया, 21.92 तक भी जा सकता है स्टॉक, और स्टॉक अगर वहाँ से भी नीचे स्लिप हुआ तो फिर 20.38 तक जा सकता है। तो अगर बड़ी गिरावट होती है तो 20 तक स्टॉक जा सकता है, इसका मतलब स्टॉक अभी भी बहुत ज़्यादा मजबूत है, 20 से नीचे जाने की इसकी संभावना नहीं है, अभी 23 की प्राइस है, तो ये एंट्री के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आपको निवेश करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में ये आपको मालामाल करेगा। यहाँ से दौड़ेगा तो कहाँ तक जाएगा, तो फर्स्ट टारगेट इसका 26.38 का है, स्टॉक अगर उससे भी आगे दौड़ेगा तो फिर 27.92 तक जा सकता है, और थर्ड टारगेट इसका 29.38 का, इसका मतलब अगर यहाँ से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया फ्रेंड तो बहुत जल्दी 30 तक जा सकता है। तो ये यहाँ से इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है कि एक तरफ इसका टारगेट 30 का दिख रहा है लेकिन ये गिरावट में 20 तक का ही है, तो ये सबसे अच्छी बात है, यानी यहाँ पर हमारा जो निवेश है वो सुरक्षित रहने की ज़्यादा संभावना है, यानी 23 के आसपास अगर हम एंट्री कर लेते तो गिरावट में ये सिर्फ मात्र 20 तक ही जा सकता है, लेकिन यहाँ से अगर दौड़ेगा तो ये 30 तक जाएगा, तो अच्छी संभावना बन रही है हमारे इसमें पॉजिटिव हमारे लिए, तो एंट्री करनी चाहिए इस लेवल पे स्टॉक में, और ये बहुत ही शानदार स्टॉक है, लगातार इसकी ऑर्डर बुक मजबूत है, इसके रिजल्ट बहुत ही दमदार है, तो और अब बहुत जल्द इसका क्वार्टर वन का भी रिजल्ट आने वाला है, और यकीन है कि रिजल्ट इस बार उससे भी दमदार आएगा, तो निवेश आपको कर लेना चाहिए, भले अभी प्राइस ना बढ़े, ये जब प्राइस बढ़ने लगेगी तो मैं बोल रहा हूँ ना आपको बहुत जल्द 3 डिजिट में चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, तो निवेश बनाए रखें। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।